राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मुंबई में। सबसे पहले तो मीडिया आज आपसे मिलने आई हुई है, बहुत सारी बातें यहाँ होगी। मुंबई में आप आए हैं, क्या खास वजह रही है, क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करना है? सबसे पहले तो मुंबई में आने के बाद सर्वप्रथम जितने भी हमारे मीडिया सहकर्मी सभी दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि इन सभी के आशीर्वाद से ही मुंबई में पिछला 2013 में मैं पहली बार आया था, उसके बाद 2022 चल रहा था। इतने दिनों के सफ़र में हमेशा मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला, खास करके हमारे इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं। और थोड़ा सा एल्बम और सिनेमा का जो गतिविधि हुआ बीच में, उसके कारण कुछ लाइफ में चेंजिंग भी हुई, शादी विवाह हुआ, तो उस मैटर के थ्रू अब थोड़ा उधर भी रहना पड़ता है, इधर भी रहना पड़ता है। लेकिन मुंबई एक कहा जाता है कि मुंबई है और हम लोग के फील्ड के लिए सबसे बड़ी जगह है, और एक सीधा लाइन है कि मुंबई मेरी जान, हम लोग बोलते हैं। तो कोशिश रहता है कि मुंबई जब हम चले तो कुछ नया सोच के चले, नया करने के लिए चले, तो इसलिए फिर इस बार मुंबई में आए हैं कुछ प्लानिंग के साथ ही। चलिए ठीक है। ये सवाल है कि आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यूज बड़े लेवल पर वायरल हो जाते हैं। हाल ही में एक वायरल हो गया था, तो वाकई में आरोप भी ये लगा कि भाई बनावटी है, या फिर आप रियल बताएं कि सच में आप गुस्सा हो गए थे, क्योंकि राकेश मिश्रा जी को गुस्सा होते जल्दी देखा नहीं जाता? नहीं, बात ये था ना कि मेरे बारे में जितना सब लोग जानते हैं, और वो बनावटी जानते हैं वो मुझे नहीं पता है, जो रियल जानता है मुझे, मैं बहुत क्लियर कट रहता हूँ लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और मैं सही को सही और गलत को गलत बोल देने में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, वो बस ये था कि शायद हम उसी टाइम जस्ट ऑफिस पहुंचे ही थे और कुछ वर्किंग में थे, तो मैंने और दूसरा चीज क्या है ना कि एक तरीका होता है हर चीजों का, तो मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि उनका जो तरीका है जैसे भी है, तो मेरा जो एक्टिविटी था वो पर्सनली नहीं था न प्रोफेशनली था, वो एक मूड था। उस टाइम हम जस्ट कहीं की यात्रा के लिए शायद निकल रहे थे या कुछ रेडी थे, और उस टाइम एक माहौल चल रहा था, शायद कुछ उस टाइम किसी एक राइटर की तबीयत बहुत खराब थी, वो भर्ती थे, और इसी टाइप का मुद्दा चल रहा था, और इस मुद्दे से ना साइड से हम लोग सुनते सुनते एकदम कचकचा गया था मिजाज तो। और हमको अचानक से जब सिस्टम हुआ तो ठीक है, जो सामने से हुआ वो एक्टिविटी, बट एक नेचुरल था, उस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना ही कोई मतलब था। और बाद में भी उनसे मैंने मिला, तो मेरा यही था कि कोई किसी भी चीज को कहने और सुनने का एक तरीका होता है, और उसको शायद रखना चाहिए, बस इतना ही बात था, और कुछ था नहीं, बट ठीक है, जो जैसे हुआ। क्या वजह है कि फिल्मों से दूर है? फिल्मों से वजह का जो वजह है दूरी का, वो मेरा पर्सनल है। मैंने डिसाइड किया, और मैंने डिसाइड किया तो मेरा डिसीजन अभी तक तो मुझे सही ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको अनुमान लगाने का तो होना चाहिए अंदाजा, कि हम अभी कहाँ चल रहे हैं, किस तरह से हैं। मैंने जब लगातार 2013 से लेकर 2019-20 तक मैंने सिनेमा किया, उसमें जैसे मेरी एंट्री जिस फिल्म से थी, वाकई वो फिल्म थी प्रेम दीवानी, उसके बाद लैला छैला भी मुझे अच्छा लगा, प्यार किया तो डरना क्या समथिंग, जो भी मैंने फिल्में की, बाद में करते करते जब कोविड के टाइम में मेरा एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, ए राजा तनी जाई ना बहरिया, तो मैं जब आकलन किया उस गाने के हिट होने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सिनेमा कर रहा हूँ तो मुझे सिनेमा करना है या मुझे रियल में सिनेमा करना है। एक सिनेमा करना यानी कि एक गिनती का डायरी पे लिखना कि हाँ मैंने इतना फिल्म कर लिया, मैं पर डे बिजी हूं। तो सीधा सिंपल सा बात है संजय जी कि मुझे लगा ना कि अभी की जो फिल्में हैं, या अगर मैं इन फिल्मों के लिए होड़ कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से मेरे करियर के लिए इसमें दोनों नहीं है, सीधा सिंपल सा बात बोल रहा हूं। क्योंकि आपके करियर में या तो आपको करियर बनाना है या तो पैसा कमाना है, दो ही चीजों की एक्टिव होती है किसी को भी अपना वर्किंग करना है तो। बट जिस हिसाब से इंडस्ट्री का सिचुएशन कोविड के टाइम में था और चीजें थे, तो मुझे लगा कि मैं अगर गिनती के लिए रेगुलर वर्क करके और मैं बोल भी रहा हूँ कि ये फिल्म वो फिल्म वो फिल्म, तो वो कॉपी पे 50 फिल्म लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर राकेश मिश्रा करना ही है तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए और एक तैयारी कीजिए,
और इंतजार कीजिए उस प्रोजेक्ट का, जिसको लाने के बाद आपको लोग बोले कि हाँ भाई प्रोजेक्ट किया है बंदा, बंदा फिल्म किया है। वो जितना आप इधर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा जिंदगी है, सांस है, सिनेमा हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, मैंने एक शर्ट का गाना गाया है और अभी तो मैं बहुत थैंक यू सो मच थैंक्सफुली कि सभी दर्शकों को कि जो अभी नवरात्र में मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दिए, भगवा रखवा खींचा था, और ऐसे टाइम में प्यार दिए जिस टाइम में कि लगातार 2-3 सालों से भजन बजता ही नहीं था नवरात्र के टाइम में और सावन में, लेकिन इस बार रिकॉर्ड फेल हो गया है। इस बार हर पंडाल पे केवल भजन ही बजा है, जीजा साली नहीं बजा, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी अब हमें वो सहयोग और साथ दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। और उसी ट्रैक में मैंने छट गया है कि घोड़ा वाया ढाई डिग बढ़ाता कि त्रिपुरारी संगे चक्रधारी देख खाड़ा बड़े मुस्काई संगे बारी हो गौराया लक्ष्मी मने मने कहेली हुमाई कि देव मुनि गुनी जने फूल बरसावे हीरा मोती मुकुट पर जड़ता सजल धजल रथ वाले के घोड़ा वाया हाई डेग बढ़ता। अच्छा, ये तो आप सदैव सुनते हैं, आपकी आवाज से बोले कि काचही बस के बहंगिया बहंगी दी चाहूं पर बहंगी दी चाहूं पर तया भरा हो बेरे बटोहिया बहंगी छठी मई के जय बहंगी छठी मई के जय। ये गीत जब भी हम लोग गाते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि शारदा सिन्हा जी आके बैठ गए हम लोग के पास, क्योंकि जो उनके आवाज में जो उनके वॉइस में छठ गीत, इतिहास कहीं भी होगा कुछ भी लिखा जाएगा, भोजपुरी गीत संगीत कहीं भी होगा पर छठ पूजा आता है ना तो शारदा सिन्हा जी का और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलाकार का हम लोग को सुनने और देखने को मौका मिलता है और अद्भुत है वो। लेकिन जी दिल्ली मुंबई कलकत्ता बैंगलोर पूरे देश विदेश से लोग इस वक्त नौकरी छोड़ करके छठ मनाने बिहार में आते हैं हाँ। और काफी इमोशन हो जाते हैं इस, क्या इसमें ऐसा क्या कुछ खास है? देखिए एक एक चीज आप मानिए कि हम जितना भी पूजा करते हैं ना, जितना भी पूजा हमारे हिंदुस्तान में होता है, शायद हम बोलेंगे तो इस पर कहीं कोई सवाल ना हो जाए, क्षमा चाहता हूँ बोलने के पहले, पर जो मुझे लगता है जितने भी पूजा होते हैं वो मान के होता है कि ये है और सब कुछ है इस सृष्टि में, सब कुछ है, माँ का आशीर्वाद, पिता का प्यार, सब कुछ है। लेकिन अगर एक छठ ही ऐसा व्रत है कि आप साक्षात उनको देख के उनको रख देते हैं, मतलब हम सूर्य भगवान को साक्षात अपने आंखों से देखते हैं और अर्घ देते हैं। दूसरी चीज, इतना कठिन पर्व और शायद दूसरा नहीं हो सकता, इतना कठिन पर्व है कि अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं तो आपको पता होगा, इसमें मतलब एक ये गेहूं पसारा होगा ना, गेहूं, उस गेहूं को पसारने के बाद 6-7 घंटे धूप में छाता लेके बोरिया उड़ के, और आदमी छत पे अगोरिया करती है, औरतें अगोरिया करता है कि कोई कौवा आकर जूठा ना कर दे, मतलब इतना डर किसी पर्व में नहीं लगता है जितना छठ के व्रत में डर होता है। क्योंकि ये पर्व पूरे 3 दिन आम के दातुन से मुंह धोना, आपको नीचे चटाई पे सोना, बोरिया पे सोना, मतलब शुद्धता की तो मतलब इतना शुद्ध रखना पड़ता है आपको, चारों घर में जहां पूजा हो रहा है सब लीप पोत के गोबर से एकदम आपको, मतलब ये पर्व जो है ना ये अद्भुत है। और इस पर्व को जो एक बार देख लेगा ना वो यूपी बिहार से नहीं भी होगा तो एक बार यूपी बिहार सिर्फ इसलिए आएगा कि देखते हैं, और इतना अच्छा लगता है जब आप घाट पे जाएंगे, तो घाट पे जब जाइए तो
मने लगता है कि साक्षात धरती पे ना कोई एक अद्भुत मेला लगा हुआ है भगवान का। दिवाली तो हफ्ते भर के बाद है, कुछ खास दिवाली में? दिवाली और छठ दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मुंबई के मेरे मीडिया भाई को और सभी दर्शकों को। और साथ साथ में इस बार का दिवाली जो है ना, क्या क्या है कि इस बार का सारा पर्व ना थोड़ा चाप के हम लोग मना रहे हैं, ऐसे कि 2 साल से ना घर में बैठल बैठल मन पिता गिर है। अब एक बार दशहरों भैया तो चाप पे भैया एकदम, अब छठो हो तो अतने भीड़ हुई घाट पर। आ दिवाली में बस एक चीज बोलेंगे कि बम धमाका पड़ाका जो भी है, आज का थोड़ा क्या है कि दौर अलग है, पहले गाँव में स्पेस होता था बहुत बगीचे में बाहर बाहर, बट अब शहर भर में भी छठ होता है, तो थोड़ा सा धमाका जो करना है वो बचा के करना है ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें और कहीं ना कहीं प्रदूषण से अपने को और अपने देश को भी बचाएं।